कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 16वीं अध्याय 12 त्रिमी ज्यामिति। सिद्ध कीजिए कि 3, 5, -4 -5, -5 -2 तथा -1, 1, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इनके मानों को मान लें। माना कि ये जो दी गई जानकारी है इसमें हम त्रिभुजों के शीर्ष को मान ले रहे हैं। माना कि कौन से ए बिंदु के शीर्ष क्या है 3, 5 -4 है। बी बिंदु के जो शीर्ष है वो क्या है 5, -5, -2 तथा तीसरा बिंदु जिसको हम सी मान लेंगे, सी बिंदु का शीर्ष है 1, 1, 2। अब दो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी को निकालेंगे। ए बी को निकालना मतलब दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को फार्मूला पहले लिखेंगे हम क्या x2 - x1 पूरे की घात 2 धन y2 - y1 पूरे की घात 2 धन z2 - z1 पूरे की घात 2। यदि हम x1 - x2 पूरे की घात 2 y1 - y2 पूरे की घात 2 धन z1 - z2 पूरे की घात 2 भी लिखे तो मान में कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पद की घात कितनी है 2। अंदर अगर ऋण भी आया तो ऋण अगले स्टेप में किस में धन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, ऋण पाँच है ना, 3 -3 पूरे की घात 2 धन y2 का मान ऋण पाँच में से फिर 5 को घटाएंगे पूरे की घात 2 z2 ऋण 2 ऋण धन 4 पूरे की घात 2 ab बराबरी से लिखेंगे तो मान को देखिए ऋण 5 ऋण 3 ऋण 8 8 64 ऋण 5 ऋण 5 ऋण 10 ऋण 10 का वर्ग 100 4 में से 2 घटाएंगे 2 2 2 4। अब इन तीनों को जोड़ने पर मान क्या आएगा ab बराबरी से करनी के अंदर 168। जैसे अभी अपन ने ab को निकाला वैसे हम bc और ca को भी निकालेंगे। किसको? bc बराबरी से। जब bc को निकालेंगे सूत्र को दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ मान को लिखेंगे। तो क्या मान, ऋण 1 धन 5 पूरे की घात 2 धन 1 धन 5 पूरे की घात 2 धन 2 धन 2 पूरे की घात 2 मान होगा bc बराबरी से। 5 में से 1 घटेंगे तो 4 4 चौक 16 5 और 1 6 6 6 36 2 दूनी 2 और 2 4 और इसका वर्ग कितना 16। जब इनको जोड़ेंगे तो ये 52 52 और 16 करनी के अंदर आ गया 68। पुनः किसका, CA का मान, पुनः CA या AC का मान निकालना। तो क्या लिखते हैं हम, 3 ∋ 1 पूरे की घात 2 धन 5 ∋ 1 पूरे की घात 2 धन ∋ 4 ∋ 2 पूरे की घात 2। जब CA को हम लिखेंगे तो हमारे पास होगा CA बराबरी से करनी के अंदर 3 ∋ 1 4 का वर्ग धन अगले में भी 4 का वर्ग और ये फिर किसका, ऋण 6 का वर्ग। तो मान को ध्यान से देखिए तो CA बराबरी से ये जो मान आएगा 4 चौक 16 धन 16 धन 6 6 36। जब CA को लिखेंगे तो CA बराबरी से हमारे पास आएगा करनी के अंदर 68। तो ध्यान दीजिए ये भी करनी 68 इकाई, ये भी करनी 68 इकाई। तो हम पाते क्योंकि त्रिभुज ABC में क्या पाया तुमने, AB की जो माप आई थी वो आई थी करनी 168 इकाई। लेकिन क्या पाते हम, BC और CA दोनों भुजा की माप बिल्कुल समान आई और वो आई है करनी 68 इकाई। त्रिभुज की दो भुजा बराबर है इसलिए क्या लिख सकते, इसलिए दिए
गए जो शीर्ष है वो कहे के सम दी बाहु त्रिभुज के। यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।